Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पाँच सितंबर को रिलायंस जियो ने जियो फाइबर की कमर्शियल लॉन्च शुरू की है। कंपनी ने सारे प्लान्स jio.com पर पब्लिश कर दी है। 849 रुपए वाले प्लान से OTT एप्स के फ्री सब्सक्रिप्शन की घोषणा की है, परंतु कंपनी ने अभी यह घोषणा नहीं किया है कि कौन से OTT एप्स जियो फाइबर के साथ फ्री सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक जियो अभी हॉटस्टार के साथ लंबे समय तक खुद को बांधे रखने का करार किया है। कंपनी के अनुसार हॉटस्टार में डिज्नी के प्रीमियम चैनल्स भी शामिल होंगे। साथ ही जियो देश की दो दिग्गज कंपनियां नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के साथ अपने फ्री सब्सक्रिप्शन को लेकर कंपनियों से बातचीत कर रही है। यही वजह है कि कंपनी ने गुरुवार को घोषित अपने प्लान्स में इन OTT एप्स का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया। जानकारी के लिए बता दें कि नेटफ्लिक्स अभी टीवी के साथ सब्सक्रिप्शन लेने वाले ग्राहकों से हर महीने 650 रुपये वसूलती है, जबकि अमेजोन प्राइम सालाना 999 रुपये और हर महीने 129 रुपये चार्ज करती है। इसलिए बंडल के तौर पर इनकी उपलब्धता किसी भी कंपनी के लिए प्रीमियम ब्रॉडबैंड ग्राहकों को साथ लाने के लिए अहम हो सकती है। जानकारों का मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट मुहैया कराने वाले वायाकॉम 18, बालाजी टेलीफिल्म्स और इरोस इंटरनेशनल जैसी कंपनियों से रिलायंस जियो अपने बातचीत को आगे बढ़ा रही है। इन कंपनियों से रिलायंस जियो अपने ब्रॉडबैंड प्लेटफॉर्म के लिए प्रमुख OTT कंपनियों के साथ करार करने के खेल में एक बेहतर स्थिति में है। कई विश्लेषकों का कहना है कि एयरटेल जैसी कंपनी की तुलना में रिलायंस जियो के ब्रॉडबैंड प्लान्स कितने आकर्षक होंगे, यह इस बात पर निर्भर होगा कि पैकेज में क्या क्या OTT कंटेंट मिलेगा। कंपनी ने घोषणा की है कि हर महीने 699 रुपये के न्यूनतम टैरिफ में जियो सिनेमा और जियो सावन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। वहीं 849 रुपये के प्लान में OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन केवल 3 महीने के लिए होगा। जानकारी के लिए बता दें कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन पहले ही एयरटेल के साथ करार कर चुकी है। एयरटेल ब्रॉडबैंड लेने वाले नए ग्राहकों को OTT और DTH के लिए नया एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स खरीदना होगा। उसे हर महीने 1099 रुपये चुकाने होंगे। इसके अंतर्गत उन्हें 3 महीने तक मुफ्त नेटफ्लिक्स की सुविधा मिलेगी, जबकि अमेजोन प्राइम 12 महीनों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्हें सेटअप बॉक्स में सभी अन्य OTT चैनल मुफ्त मिलेंगे। इसमें जी5, एरोस नाउ, हंगामा प्ले, अल्ट्रा, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम, हॉयचॉय और हुक मुफ्त मिलेंगे। हालांकि जियो और भारतीय एयरटेल के प्लान में कई अहम अंतर हैं। इनमें एक अंतर यह है कि भारतीय एयरटेल के सेटअप बॉक्स में कंपनी के करीब 1.6 करोड़ DTH उपभोक्ताओं को अपग्रेड होने का मौका मिलेगा, परंतु जियो के पास लीनियर टीवी के लिए कोई प्लान नहीं है। इसलिए 1 लाख केबल ऑपरेटरों के साथ जुड़ाव से जियो को लीनियर टीवी तक पहुंचने में फायदा मिल सकता है। जियो ने हैथवे और डेन नेटवर्क्स को खरीदा है। वही दूसरा अंतर यह है कि जियो अपने ग्राहकों को अधिकतम 1 Gbps तक की स्पीड दे रही है, जबकि एयरटेल की अधिकतम स्पीड 100 Mbps की है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।